आए दिन जल संकट से जूझते शहरवासियों को एक बार फिर पानी के संकट से जूझना पड़ेगा। शुक्रवार सुबह करीब 10 लाख आबादी को फिर से जल संकट का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि गंगा बैराज मेन फीडर लाइन में कंपनी बाग चौराहे के पास लीकेज होने से गंगा बैराज प्लांट को बंद कर दिया गया है। सप्लाई के बाद गुरुवार शाम को प्लांट बंद कर दिया गया। वहीं गंगा बैराज प्लांट में लीकेज हो गया। दोनों लीकेज को एक साथ बनाया जाएगा, जिससे करीब 6 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई बंद रहेगी। सुबह से ही लीकेज बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। अगले 3 दिनों तक पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। कानपुर पर नगर निगम की लापरवाही फिर देखने को मिली है। जो गंगा बैराज से मेन फीडर लाइन जल निगम की जो आई थी, वो सीवर लाइन की खुदाई के समय नगर निगम ने तोड़ दी है, जिसके चलते कानपुर के 19 इलाकों पर 3 दिन तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। आपको बता दें कि कंपनी बाग से रावतपुर तिराहे के पास 25 फीट गहरी सीवर चोक होने से सड़क धस गई, जिसके बाद नगर निगम ने इसकी मरम्मत के लिए खुदाई शुरू की, लेकिन बगल से गुजर रही पाइपलाइन टूट गई। लाइन टूटने से गड्ढे पर पानी भर गया। गनीमत रही कि लीकेज कम होने से पानी का फव्वारा नहीं फूटा, लेकिन नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा कानपुर के शहरवासियों को भुगतना पड़ेगा, जिसके कारण 19 इलाकों में 3 दिन तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। ये काफी दिन से काम चल रहा है इसका, और ये काम कंप्लीट नहीं हो रहा। आम पब्लिक आने जाने वाली बहुत दिक्कतों का सामना कर रही है, और ये पता नहीं किस तरीके से लापरवाही से काम हो रहा है। जल्दी काम हो तो ठीक है, VIP रोड है ये, आवागमन होता रहता है इसका और बहुत जाम लगता रहता है, परेशानी ऑन ड्यूटी जॉब करने वालों को दिक्कतें बहुत होती रहती है। सब्सक्राइब करें ABNews India के YouTube चैनल को, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।